मालदीव में गहराते राजनीतिक संकट के बीच देश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 15 दिनों के लिए आपातकाल का ऐलान लगा दिया है। यामीन के सहायक अजीमा शकूर ने इसकी घोषणा की। यह कदम सुरक्षा बलों को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की असीम शक्ति प्रदान करता है। भारत ने मालदीव के संकट पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से कहा है कि जरूरी न हो तो वहां की यात्रा पर ना जाएं। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच गहराते गतिरोध के बीच की गई है। बढ़ते राजनीतिक दबाव और चिंताओं के बावजूद राष्ट्रपति यामीन ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने से मना कर दिया है। यामीन के न्यायाधीशों को अपना फैसला पलटने के लिए 3 पत्र भेजने के तुरंत बाद शुकूर ने सरकारी टेलीविजन पर आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की। गौरतलब है कि यह दूसरा मौका है जब यामीन ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। उन्होंने इससे पहले नवंबर 2015 में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी, जब उनकी कथित तौर पर हत्या किए जाने का प्रयास किया गया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।